हेलो एवरीवन एंड वेलकम टू पनीशिया हर हफ्ते की तरह इस हफ्ते भी हम वीकली करंट अफेयर्स की वीडियो आपके सामने लेके आए हैं जिसमें हम लास्ट वीक के मेजर इकोनॉमिक पॉलिटिकल सोशल साइंस एंड टेक्नोलॉजी सारे टॉपिक्स से रिलेटेड इवन स्पोर्ट्स से रिलेटेड आपको न्यूज़ देंगे सो प्लीज़ कंटिन्यू वॉचिंग दिस वीडियो टू अंडरस्टैंड ऑल द करंट अफेयर्स दैट हेल्ड लास्ट वीक सबसे पहली खबर पे चलते हैं नेशनल न्यूज़ में नेशनल न्यूज़ में सबसे पहली न्यूज़ थी प्राइम मिनिस्टर्स विजिट टू नेपाल बुद्ध पूर्णिमा के अवसर पर प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने नेपाल ने विज़िट किया और नेपाल में वो अपने काउंटर पार्ट प्राइम मिनिस्टर शेर बहादुर देवबास से मिले वहाँ पे जाके उन्होंने काफ़ी सारे इवेंट्स में पार्टिसिपेट किया फॉर एग्जाम्पल उन्होंने माया देवी टेम्पल जो लुम्बिनी में है एंड लुम्बिनी एज यू मस्ट नो इज़ द बर्थ प्लेस ऑफ श्री गौतम बुद्ध गौतम बुद्ध जी के जन्म दिवस पर वो लुम्बिनी गए वहां पे उन्होंने माया देवी टेम्पल में भी एक सेरेमनी में पार्टिसिपेट किया अशोकन पिलर जो लुम्बिनी के अंदर है और सम्राट अशोक के टाइम से वहीं पे है उसके पिलर को भी इन दोनों ने विजिट किया साथ ही साथ एक नए इंडिया इंटरनेशनल सेंटर फॉर बुद्धिस्ट कल्चर एंड हेरिटेज आईआईएचसी इसकी स्थापना की मींस इसका फर्स्ट फाउंडेशन स्टोन रखा गया है और इसका कंस्ट्रक्शन एक डेढ़ साल तक पूरा हो जाएगा इड ऑल्सो एग्रीड कि वो लुम्बिनी और कुशीनगर लुम्बिनी नेपाल में है और कुशीनगर उत्तर प्रदेश में है लुम्बिनी इज द बर्थ प्लेस ऑफ गौतम बुद्ध एंड कुशीनगर इज सिटी वेयर ही अचीवड महापर्णिवान शहरों को आपस में लिंक करने की बात की गई बायर सिटी प्रोग्राम भारत का कई देशों के साथ सिस्टर सिटी प्रोग्राम चलता रहता है जैसे वाराणसी और टोकियो का भी चलता है तो ऐसे काफी सारे एग्रीमेंट होते रहते हैं इसी के साथ साथ देर वर सिक्स एमओ मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग और एग्रीमेंट्स दैट वॉज साइन बिटवीन इंडियन कॉरपोरेशन या इंडियन बॉडीज एंड नेपाल तो एग्जाम्पल के तौर पर आईसीसीआर इंडियन काउंसिल ऑफ कल्चरल रिलेशन ये आईसीआर एम ए के अंडर काम करता है मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स के अंदर काम करता है मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर के अंदर नहीं तो ये आपने याद रखना है तो आईसीसीआर और लुम्बिनी बुद्धिस्ट यूनिवर्सिटी के बीच में एग्रीमेंट हुआ तो ये कई सारे एग्रीमेंट्स है आपको ये हर एक एग्रीमेंट याद करने की जरूरत नहीं है बट एक आइडिया होना चाहिए कि छह एग्रीमेंट इस दौरान साइन हुए थे एक बहुत ही इंपॉर्टेंट है सतलुज जल विकास निगम लिमिटेड जो कि हाइड्रो पावर एनर्जी या हाइड्रो पावर टेक्नोलॉजी के अंदर काम करने वाली एक पब्लिक सेक्टर कंपनी है उसने नेपाल के अरुण हाइड्रो पावर प्लांट को कंस्ट्रक्ट करने के लिए एक एग्रीमेंट किया है जिसकी कैपेसिटी होगी 490 मेगावाट और जिसमें लगभग 4900 करोड़ रुपीस का खर्चा आने वाला है तो हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट्स में पार्टनरशिप ये भी नेपाल और इंडिया के रिलेशंस का एक बहुत बड़ा एस्पेक्ट है और इस नेपाल के अच्छे रिलेशंस का चाइना के ऊपर भी थोड़ा असर पड़ता है और हम ये एक्सपेक्ट करते हैं कि इंडिया नेपाल के साथ अच्छे रिलेशन मेंटेन करे ताकि वो चाइना के सामने हमारा बफर स्टेट बन के रहे हमारे तरफ या हमारी फ्रेंडशिप को ज्यादा एक्सेप्ट करे ना कि चाइना को सेकंड न्यूज़ है इनक्रेडिबल इंडिया इंटरनेशनल क्रूज कॉन्फ्रेंस देखिए भारत को एक टूरिस्ट डेस्टिनेशन प्रमोट करने के लिए एक कॉन्फ्रेंस करवाई गई फर्स्ट टाइम दैट वाज इंडिया इंटरनेशनल क्रूज कॉन्फ्रेंस तो क्रूज आप जानते हैं कि जो बड़ी-बड़ी Ships होती हैं उनके ऊपर टूरिज्म को प्रमोट करने के लिए ये क्रूज किए जाते हैं जो कि कुछ पंद्रह बीस पच्चीस दिन का टूर पैकेज होता है और ये टू डे इवेंट जो जॉइंटली इंडिया की यूनियन मिनिस्ट्री ऑफ पोर्ट्स शिपिंग एंड वाटरवेज ने करवाया टूरिज्म मिनिस्ट्री ने नहीं करवाया ठीक है और यहां पे आके दो ऑर्गेनाइजेशन के नाम आपने याद रखने एक तो मिनिस्ट्री है मिनिस्ट्री ऑफ शिपिंग एंड दूसरी है फिक्की फेडरेशन ऑफ इंडियन चेंबर्स ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्रीज ये एक

आराम से समझ सकते हैं इसमें क्या है? ये किसने ऑर्गेनाइज कराया था मिनिस्ट्री ऑफ पोर्ट शिपिंग वाटरवे और फिक्की कहां पे ऑर्गेनाइज कराया था मुंबई पर्पस क्या था मैंने आपको बता दिया तो फिर बस तीन इंफॉर्मेशन ही आपको इसमें याद रखनी होती है और कोई ज्यादा न्यूज याद रखने की जरूरत नहीं नेक्स्ट चलते नेक्स्ट खबर है रामगढ़ विशदारी टाइगर रिजर्व भारत में कुल 52 टाइगर रिजर्व हो गए हैं वो इसलिए क्योंकि रामगढ़ विषधारी टाइगर रिजर्व जो राजस्थान के अंदर स्थित है उसे टाइगर रिजर्व का दर्जा दे दिया गया है यह दर्जा मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरमेंट फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज की तरफ से आया है जिनके मंत्री हैं श्री भूपेंद्र यादव इन्होंने फिफ्टी सेकेंड टाइगर रिजर्व इंडिया का इसे अनाउंस किया साथ ही साथ राजस्थान का यह चौथा फोर्थ टाइगर रिजर्व है ये टाइगर रिजर्व की अप्रूवल के लिए बहुत लंबा प्रोसेस होता है जिसमें से एक बहुत इंपॉर्टेंट स्टेप होता है एनटीसीए यानी नेशनल टाइगर कंजर्वेशन अथॉरिटी इसका अप्रूवल लेना एनटीसीए वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट के अंदर बनाई गई एक बॉडी है तो वो एक स्ट्रेटेजरी बॉडी है ध्यान रखिएगा कि इस टाइगर रिजर्व के अंदर और भी कई सारे जानवर पाए जाते हैं जैसे वुल्फ लेपर्ड हाइना स्लॉथ बियर सो दीज ऑल एनिमल्स आर फाउंड इन दिस टाइगर रिजर्व बट मेनली यहाँ की टाइगर पॉपुलेशन को प्रोटेक्ट करने के लिए इसे टाइगर रिजर्व घोषित किया गया राजस्थान में इस रामगढ़ विषधारी के अलावा तीन और टाइगर रिजर्व हैं पहले से कौन कौन से फर्स्ट इज सरिस्का टाइगर रिजर्व सेकेंड इज रंथम नेशनल पार्क जहां टाइगर रिजर्व भी है एंड थर्ड इज मुकुंद्रा हिल्स टाइगर रिजर्व जो कोटा के पास है अब एक चौथा रामगढ़ विस्तारी टाइगर रिजर्व यहां पे आ गया तो फोर टाइगर रिजर्व्स ऑफ राजस्थान ये आपने याद रखना है सरिस्का इसका रणथंबोर मुकुंद्रा और रामगढ़ विस्तारी वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पीस ऑफ न्यूज़ नेक्स्ट चलते हैं फर्स्ट 5G टेस्ट बेड टेस्ट बेड का मतलब है कि आपने अगर 5G को इंडिया के अंदर इंट्रोड्यूस कराना है तो सबसे पहले उसके सिग्नल्स की उसकी सिग्नल कैपेसिटी की उसकी कॉलिंग क्वालिटी की सब की टेस्टिंग करनी पड़ेगी और वो टेस्टिंग कोई आसान काम नहीं है उसके लिए बहुत सारा इक्विपमेंट इंस्टॉल करना पड़ता है इनफैक्ट कई कंट्रीज यूरोप की ऐसी हैं जो अपने कंट्री के अंदर टेस्टिंग नहीं कर पाई उनको दूसरी कंट्रीज में टेस्टिंग करनी पड़ रही है लेकिन इंडिया के लिए अच्छी बात यह है कि इंडिया ने अपना पहला फाइव टेस्ट बेड लॉन्च कर दिया है टेस्ट बेड का मतलब एक ऐसी जगह एलोकेट जहां पे सारे इक्विपमेंट्स की मदद से टावर्स की मदद से टेलीकम्युनिकेशन सैटेलाइट्स की मदद से आप 5G नेटवर्क को टेस्ट करोगे ये 220 करोड़ की लागत पे बना हुआ है और इसका ऑब्जेक्टिव है कि यहीं पे टेस्टिंग कर ले ताकिन फैसिलिटीज डाके टेस्टिंग ना करनी पड़े तो फाइव का लॉन्च का जो टाइम पीरियड है वो धीरे धीरे करीब आता जा रहा है ऐसा कहा जा रहा है कि दो के अंत या दो के मिड तक आपका फाइव रोल आउट हो जाएगा मोबाइल फोन के अंदर सिम कार्ड के अंदर तो यूनियन आई मिनिस्टर अश्विनी वैष्णव जी जो है इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी और इलेक्ट्रॉनिक्स के मंत्री उन्होंने पहली 5G कॉल भी की आईआईटी मद्रास में क्योंकि यहीं पे स्थित है फर्स्ट 5G टेस्ट बेड और इसको लॉन्च किया गया प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी द्वारा इस 5G टेस्ट बेड को बनाने के लिए आठ संस्थाओं या एट इंस्टीट्यूशन ने एक पार्टनरशिप की है और उसका लीडर है आई मद्रास तो आपसे पूछा जा सकता है कि इन सारे एट के का हेड कौन है तो हेड आपने याद रखना है आई आई मद्रास 5G टेस्ट बेड का बाकी चीजें आपको इसमें ज्यादा याद करने की जरूरत नहीं है इसलिए हम नेक्स्ट न्यूज की तरफ फटाफट चलते हैं भारत की नेवी ने आईएनएस यानी इंडियन नेवल शिप आई का मतलब होता है दो नई नेवल शिप्स को कमीशन किया और इसको कमीशन करने खुद डिफेंस मिनिस्टर श्री राजनाथ सिंह थे इसकी खासियत यह है कि ये दो मेड इन इंडिया वॉरशिप्स है नेवी की और डिफेंस इंडिजीनाइजेशन के लिए एक बहुत बड़ा कदम है इन शिप्स का नाम है आई सूरत और आई उदयगिरी जनरली जो शिप्स के नाम होते हैं उनमें से कुछ नाम जगह के नाम के ऊपर होते हैं। तो सूरत जैसा कि आप जानते हैं कि गुजरात का एक बहुत ही पॉपुलर शहर है और उदयगिरी एक हिल रेंज है ईस्टर्न घाट्स के अंदर उड़ीसा और आंध्र प्रदेश में ये दोनों जो शिप्स हैं नेवल शिप्स इनका इस्तेमाल किया जा सकता है और ये भारत में बनी है तो ये और भी बड़ी बात है, इस सूरत की खासियत क्या है? कि डिस्ट्रॉयर क्लास शिप है अब यहां पे मैंने आपके सामने कुछ टाइप्स ऑफ नेवल शिप्स दिखाई है आमतौर पर इनमें और भी फर्क होते हैं सिर्फ वेट या वजन का फर्क नहीं होता है लेकिन वी से जनरली जो छोटे से बड़े साइज की तरफ बढ़ रहा है वो ऊपर से नीचे जा रहा है तो कॉर्वेट्स जो शिप्स होती है, है लॉन्च साथ साथ है, कर पाएगी मोस्टली ऐसा ट्रू होता है सेकेंड है फ्रिगेट फ्रिगेट है तीन से पांच टन तो डिस्ट्रॉयर आई सूरत एक डिस्ट्रॉयर क्लास शिप है जो 5000 से 10000 टन के बीच में उसका वजन रहेगा और उदयगिरी एक फ्रिगेट है फ्रिगेट का मतलब कि उसका वेटेज जो है तीन हजार से पांच हजार टन तक रहेगा सबसे बड़ी जो शिप्स होती हैं उनको बैटल शिप्स या क्रूजर शिप्स कहते हैं जिनका वेट लगभग दस हजार टन से भी ज्यादा होता है और उनकी कैपेसिटी बहुत हाई होती है इसका एक एग्जाम्पल है मॉस्कोवा मॉस्कोवा रशिया की एक क्रूजर शिप थी जिसको रिसेंटली यूक्रेन वॉर के दौरान यूक्रेन की सेना ने मार गिराया था तो ब्लैक सी में ये बहुत बड़ी शिप को उन्होंने गिरा दिया था तो ये न्यूज में भी आया था खैर हमारी जो ये दो शिप्स हैं आईएनएस सूरत वो डिस्ट्रॉयर क्लास है आईएनएस उदयगिरी वो फ्रिगेट है तो यहां पे बहुत ही अच्छे से इसको इलेक्ट्रॉनिकली भी इक्विप किया गया है और आगे आने वाले समय में डिफेंस इंडिजनाइजेशन के लिए बहुत मदद करेगी नेक्स्ट खबर की तरफ चलते हैं नेवी से ही खबर है कि बांग्लादेश और भारत के साथ मिले जुले नेवी कोऑपरेशन की एक्सरसाइजेस के बारे में हमने जाना है जिसको कहते हैं कॉर्पेट या कोऑर्डिनेटेड पेट्रोल ये कॉर्पेट कंडक्ट किया गया था मे 22 से 23 के बीच में बे ऑफ बंगाल के अंदर इसमें इंडियन नेवी और बांग्लादेश नेवी की शिप्स शामिल थी वैसे इतना प्रायोरिटी वाइज आपको शिप्स का नाम नहीं याद करना चाहिए लेकिन आप देख सकते हैं आईएनएस कोरा आई एन सुमेधा भारत की तरफ से और बीएनएस अली हैदर और अबू उबादिया बांग्लादेश की तरफ से इसमें पार्टिसिपेट करती हैं इसमें शिप्स आपस में इंटरेक्ट करते हैं मीन्स दे कंडक्ट ज्वाइंट ऑपरेशन मॉक ड्रिल्स करते हैं बहुत सारी चीजें यहां पर की जाती है तो कॉर्पेट भारत और बांग्लादेश के बीच में नेक्स्ट स्टेप पे चलते हैं या नेक्स्ट न्यूज की तरफ बढ़ते हैं इंडो पैसिफिक फ्रेमवर्क फॉर प्रॉस्पेरिटी या मैं कहूं इंडो पैसिफिक इकोनॉमिक फ्रेमवर्क फॉर प्रॉस्पेरिटी इंडो पैसिफिक ये एक टर्म बहुत ही इंपॉर्टेंट टर्म है और इसके बारे में अगर आपको जानकारी चाहिए तो हमारी सहकर्मी की एक वीडियो देखिएगा जिसमें उन्होंने क्वाड को एक्सप्लेन किया है इंडिया जापान यूएस और ऑस्ट्रेलिया के क्वाड को वहां पे इंडो पैसिफिक को एक्सप्लेन किया गया इंडो पैसिफिक रीजन बेसिकली इंडियन ओशन और पैसिफिक ओशन दोनों के साथ लगने वाली कंट्रीज को डिनोट करता है जो बाइडन जो टोक्यो आए थे किस सिलसिले में क्वाड समिट के सिलसिले में उन्होंने 12 और कंट्रीज के साथ एक नया एग्रीमेंट साइन किया है जिसको कहते हैं इंडो-पैसिफिक इकोनॉमिक फ्रेमवर्क फॉर प्रॉस्पेरिटी इस फ्रेमवर्क के तहत जितने इस कंट्री इसके मेंबर्स होंगे आई विल टेल यू हु आर द मेंबर्स ये एक इंक्लूसिव इंटरकनेक्टेड और सिक्योर इंडो-पैसिफिक रीजन के लिए काम करेंगे और ये अनाउंसमेंट जस्ट क्वाड समिट से पहले की गई थी जो क्वाड समिट मैंने आपको बताया आप हमारी डिस्क्रिप्शन में दी गई वीडियो लिंक से उसके बारे में और जान सकते हैं आईपीएफ के तहत क्या होगा कि इकोनॉमिक कोलैबोरेशन की जाएगी यानी कि जॉइंट इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स भी हो सकता है ट्रेड को को बैरियर्स डिक्रीज करना बहुत सारी चीजें इनकी मेंबर कंट्रीज आपस में करने वाली है ठीक है तो यह बहुत इंपॉर्टेंट था प्रधानमंत्री या प्राइम मिनिस्टर हमारे जो प्राइम मिनिस्टर थे वो भी इसका मेंबर है तो उन्होंने अपनी तरफ से भी कुछ आइडियोलॉजी सामने दी उन्होंने थ्री टीज हाईलाइट किए हैं कि इन थ्री टीज के ऊपर ये पार्टनरशिप ग्रो करने वाली है ट्रस्ट ट्रांसपेरेंट प्रोसेस और टाइमली कंप्लीशन ऑफ प्रोजेक्ट्स, ये तीन चीजें टीज़ में आती हैं। अब आते हैं कि इस आईपीईएफ के मेंबर्स कौन है देखिए चाइना तो मेंबर नहीं होगा क्यों क्योंकि चाइना के खिलाफ ही एक तरह से ये एक मुहिम जारी हुई है कि इंडो पैसिफिक रीजन में चाइना जो अपने कई आइलैंड्स और कई एरियाज क्लेम करता रहता है उसको काउंटर किया जा सके देन यू विल हैव मेंबर्स मेंबर्स ऑफ क्वाड एट इट्स तो जापान इसका मेंबर होगा ऑस्ट्रेलिया इसका मेंबर होगा भारत तो है ही इसका मेंबर और यूएस भी इसका होगा तो क्वाड की चार कंट्रीज होगी साथ में साउथ ईस्ट एशिया की जो कंट्रीज हैं वो भी इसमें होगी तो मलेशिया फिलीपींस सिंगापुर थाईलैंड वियतनाम ठीक है देन ऑस्ट्रेलिया के साथ न्यूजीलैंड तो आ ही जाता है साथ में और फार ईस्ट से जापान के साथ कोरिया भी आ जाता है ठीक है सो यू हैव सम कंट्रीज आर मेंबर्स ऑफ आईपीएफ ये थर्टीन कंट्रीज हो जाती हैं यूएसए इंडिया ऑस्ट्रेलिया और जापान ये क्वाड की कंट्रीज और नॉर्थ साउथ ईस्ट एशिया की कंट्रीज इंक्लूडिंग ऑस्ट्रेलिया न्यूजीलैंड हाँ मिसिंग कंट्रीज हम जरूर याद रखेंगे क्योंकि एशियान एशियान एक दस कंट्रीज का अलायंस है या रीजनल अलायंस है और उनके कुछ मेंबर इसके मेंबर्स नहीं है ये बात हमने याद रखनी है कौन कौन से कंबोडिया लाउस म्यांमार ठीक है हैरानी की बात यह है कि ताइवान भी आईपीएफ का मेंबर नहीं है हो सकता है आने वाले समय में ताइवान आईपीएफ का मेंबर बन जाए तब जाके चाइना ज्यादा ट्रबल होने वाला है क्योंकि ताइवान अकॉर्डिंग टू चाइना इज पार्ट ऑफ चाइना तो इसको आगे आने वाले समय में देखेंगे कि कौन सी कंट्रीज और ज्वाइन करती हैं लेकिन एक तरह से इंडो पैसिफिक रीजन में एक नया

62 बिलियन 74 बिलियन 81 बिलियन और अब 83.57 बिलियन तो आपसे ट्रेंड के ऊपर आधारित सवाल भी पूछा जा सकता है और आप उसका जवाब आसानी से दे सकते हैं कि ये ट्रेंड इंक्रीज ही होता जा रहा है एफडीआई का मतलब क्या होता है कि अगर भारत की किसी कंपनी के अंदर कोई 10% परसेंट से ज्यादा शेयर होल्डिंग में इन्वेस्ट करता है फॉरिनर तो उसे एफडीआई या फॉरन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट बोला जाएगा अगर मैं बात करूं कौन से सेक्टर को सबसे ज्यादा एफ मिलता है भारत में तो कौन सा सेक्टर है कंप्यूटर सॉफ्टवेयर एंड हार्डवेयर सेक्टर 25 one fourth FDI वहां रिसीव होता है इज सर्विसेज सेक्टर वो 12 FDI ले जाता है और ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री वो 12 परसेंट एफडीआई ले जाता है तो ये तीन टॉप एफ रिसीविंग सेक्टर्स कहां से एफ आता है तो वो देखेंगे सबसे ज्यादा सिंगापुर से आता है भाई 27 प्रतिशत मोर देन वन फोर्थ फिर यूएसए से आता है अठारह प्रतिशत और मॉरिशियस से आता है सोलह प्रतिशत मॉरिशियस से ऐसा भी हो सकता है कि कोई बंदा मॉरिशियस में बैंक अकाउंट खोलता है इंडिया से पैसे भेजता है और मॉरिशियस से वापस भेजता है इसको राउंड ट्रिपिंग कहते हैं वो इसलिए क्योंकि मॉरिशियस में अगर आप अपना अकाउंट खोलते हैं और मॉरिशियस के अंदर अपना बिजनेस ओनरशिप दिखाते हैं तो कई बार आपको बहुत कम टैक्स देना पड़ता है बिकॉज मॉरिशियस इज अ वेरी फ्रेंडली नेशन इन टर्म्स ऑफ टैक्स तो हो सकता है ये पैसा कुछ राउंड ट्रिपिंग होके भी आ रहा हो यानी इंडिया से मॉरिशियस और मॉरिशियस से वापस डॉलर की फॉर्म एनिवेज देखना ये है कि सिंगापुर यूएस मॉरिशियस तीन लार्जेस्ट कॉन्ट्रीब्यूटर हैं एफडीआई के कौन से राज्य को भारत में सबसे ज्यादा एफ मिलता है विद स्टेट गेट्स मोस्ट एफ डी दैट इज कर्नाटक क्योंकि आई इंडस्ट्री बेंगलोर हब है तो वहां पर सबसे ज्यादा थर्टी एट मिलता है सेकेंड नंबर पर महाराष्ट्र और दिल्ली

और जॉर्डन के बीच में एक एग्रीमेंट के बारे में है जॉर्डन एक कंट्री वेस्टर्न एशिया में है एंड इट बॉर्डर्स सीरिया एंड इसराइल इराक तो ये वेस्टर्न एशिया का एक देश है जहां से भारत फर्टिलाइजर सप्लाई लेता है आपको पता होगा कि रशिया और यूक्रेन के युद्ध की वजह से फर्टिलाइजर सप्लाई की खासकर पोटेशियम बेस्ड फर्टिलाइजर सप्लाई जो होते हैं उसके ऊपर बहुत भारी नुकसान हुआ है बहुत भारी असर पड़ा तो भारत को यह एक एग्रीमेंट साइन करना पड़ा जिसके लिए खुद मिनिस्टर ऑफ केमिकल्स एंड फर्टिलाइजर्स डॉक्टर मनसुख मांडवरिया जो एक मिनिस्टर हैं वो गए और उन्होंने वहां जाके एक एग्रीमेंट साइन किया जॉर्डन की माइनिंग कंपनी से जहां से उन्होंने सप्लाई इंश्योर करवाई फास्फोरस के ऊपर आधारित फर्टिलाइजर्स पे फॉस्फेट बेस्ड फर्टिलाइजर एनपीके तीन तरीके के फर्टिलाइजर्स बहुत ज्यादा इंडिया की एग्रीकल्चर में इस्तेमाल होते हैं नाइट्रोजन बेस्ड जिसमें सबसे ज्यादा यूरिया है फॉस्फोरस बेस्ड और पोटेशियम बेस्ड तो ये फॉस्फोट फॉस्फेट वाले जो फर्टिलाइजर है उनके लिए इन्होंने सप्लाई एग्री की अगले लॉन्ग टर्म के लिए भी यानी फाइव इयर्स के लिए और शॉर्ट टर्म के लिए तो आपने मेन चीज याद रखनी है कि कौन सी कंट्री के साथ इंडिया ने एग्रीमेंट किया है द आंसर इज जॉर्डन नेक्स्ट पे चलते हैं नेटो खबरों में है पिछले चार पांच महीने से है नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन के अंदर दो नए मेंबर्स ने अपना एप्लीकेशन डाला है ये कहते हुए कि हम नेटो के मेंबर बनना चाहते हैं वो दो नए देश हैं स्वीडन और फिनलैंड स्वीडन और फिनलैंड ने अपना एप्लीकेशन नेटो की मेंबरशिप के लिए दिया है नेटो की मेंबरशिप वो इसलिए चाहते हैं ताकि रशिया अगर नेक्स्ट कोई अग्रेसिव स्टेप ले तो नेटो उनकी मदद के लिए सामने आए रीजन बीइंग कि अगर आप नैटो के मेंबर होते हो तो आप एक ऐसे मिलिट्री अलायंस के मेंबर हैं जिसमें अगर किसी भी एक देश के ऊपर हमला होता है तो बाकी सारे मेंबर देश उसकी मदद के लिए मिलिट्री भेजेंगे दैट इज द क्रक्स ऑफ नेटो 30 मेंबर का स्टेट है जिसमें यूएस कैनेडा और यूरोपियन यूनियन के अट्ठाईस स्टेट आ जाते हैं अब यूरोपियन यूनियन में से यूके चला गया है तो इसको आप ऐसे भी लिख सकते हो यूके यूएस कैनेडा एंड ट्वेंटी सेवन यूरोपियन स्टेट्स एनीवेज वेज नेटो के अंदर अगर किसी मेंबर को एंटर करना है तो उसे कंसेंसस यानी कि हर एक मेंबर की हाँ चाहिए कोई भी एक मेंबर मना कर दे तो उसको एंट्री नहीं मिलेगी अब दो देश हैं जो इसके लिए प्रॉब्लम क्रिएट कर रहे हैं एक है क्रोएशिया एक है टर्की वो क्यों कर रहे हैं उसके ऊपर एक लंबी चौड़ी डिबेट हो सकती है लेकिन हम उस डिबेट में नहीं जाएंगे बट इतना जरूर है कि नेटो के अंदर स्वीडन और फिनलैंड की मेंबरशिप इतनी आसान नहीं नजर आ रही है के आखिरी नया मेंबर जो लेटेस्ट मेंबर था वो नॉर्थ मैसेडोनिया 2020 में बना था और नैटो के जो हेडक्वार्टर है वो बेल्जियम के अंदर है ब्रुसेल्स में अब चलते हैं खेल जगत की तरफ और खेल जगत से बहुत अच्छी खबरें खासकर भारतीय खिलाड़ियों को लेकर आई है इस बार सबसे पहले चेस की दुनिया से आर प्रज्ञानंद ये भारत के ग्रैंड मास्टर हैं इनफैक्ट ग्रैंड मास्टर भारत का नहीं वर्ल्ड वाइड एक उपाधि होती है और ये फिफ्थ यंगेस्ट पर्सन ऑलरेडी हैं जो ग्रैंड मास्टर का खिताब हासिल कर चुके हैं भारत के हैं और इन्होंने रिसेंटली वर्ल्ड नंबर वन मैग्नस कार्लसन को दो महीने के अंदर दूसरी बार हराया है पहली बार उन्होंने मैग्नस कार्लसन को फेबररी 2022 के अंदर हराया था जब वो एयरथिंग्स मास्टर्स के अंदर आपस में कॉम्पीट कर रहे थे और इस बार उन्होंने नॉर्वेजियन मैग्नस कार्लसन को चेसेबल मास्टर्स टूर्नामेंट में हराया है ये दोनों ही ऑनलाइन चेस टूर्नामेंट्स थे और दोनों में 16 साल के प्रज्ञानंद जो है इन्होंने वर्ल्ड नंबर वन को बीट कर दिया है तो ये बहुत बड़ी अचीवमेंट है प्रज्ञानंद अभी अपने इलेवेंथ स्टैंडर्ड के एग्जाम्स की तैयारी भी कर रहे हैं तो हाल ही में अखबार में खबरें छपी थी जहां पे वो अपना एग्जाम देने वाले हैं और फिर एक और चेस टूर्नामेंट में के फाइनल्स में पार्टिसिपेट करने वाले हैं साथ साथ उन्होंने एक टूर्नामेंट भी जीता है जिसका नाम है रिकायाविक कप अभी हम आगे एक टेबल में उसे डिस्कस करेंगे तो मैगनेस कार्लसन को हराने के बाद आर प्रज्ञानंदम बहुत ही एक फेमस पर्सनैलिटी चेस के अंदर बन गए हैं मात्र 16 साल की उम्र में बहुत अच्छी खबर नेक्स्ट चलते हैं बॉक्सिंग जगत से बॉक्सिंग जगत से विमेन्स बॉक्सिंग में हमारी एक नई वर्ल्ड चैंपियन बनी है जिनका नाम है निखट जरीन निखट जरीन जो तेलंगाना से बिलोंग करती हैं 25 वर्ष की हैं और 2022 आईबीएस विमेन्स वर्ल्ड बॉक्सिंग चैंपियनशिप में उन्होंने थाईलैंड के जिटपोंग जिटूमास को 5-0 से हराते हुए ये वर्ल्ड चैंपियनशिप का खिताब जीता है इस वर्ल्ड चैंपियनशिप खिताब के साथ वो भारत की पांचवीं ऐसी महिला बनी है जिन्होंने वर्ल्ड चैंपियनशिप जीती है ऑल नॉट द फर्स्ट वन टू डू इट बट ये एक बहुत ही एलिट लीग है जिसके अंदर भारत की सबसे टॉप मोस्ट बॉक्सर्स जैसे कि मैरी कॉम सरिता देवी जेनी आर एल लेखा केसी इनके अलावा और कोई भी आज तक नहीं आ पाया है तो निकट जरीन हैज मेड इंडिया प्राउड इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट न्यूज फ्रॉम बॉक्सिंग अब चलते हैं पैसा कौन सबसे ज्यादा पैसा कमा रहा है फुटबॉल के जगत में तो आप जान के हैरान होंगे कि इसमें विराट कोहली रोहित शर्मा महेंद्र सिंह धोनी नहीं आते वो काफी पीछे हैं हैं ऑल द टॉप टॉप में में आते हैं। 10 में कहीं भी नहीं सबसे ज्यादा पैसा कमाने वाले एथलीट है फुटबॉल जगत के स्टार लाइनल मेसी जिनकी टोटल अर्निंग्स 130 मिलियन डॉलर है सेकेंड नंबर पे आते हैं लेबरॉन जेम्स बास्केटबॉल के खिलाड़ी और उनकी टोटल अर्निंग्स 121 मिलियन है थर्ड नंबर पे क्रिस्टियानो रोनाल्डो अगेन लाइनल मेसी के राइवल और उनकी अर्निंग्स है 115 मिलियन डॉलर्स तो फुटबॉल की फील्ड का तो पता नहीं कि मेसी और रोनाल्डो में से कौन ऊपर है लेकिन पैसे कमाने में लाइनल मेसी ने रोनाल्डो को पीछे छोड़ दिया यहां 130 मिलियन डॉलर तो ये आपसे पूछा जा सकता है हु इज द हाईस्ट पेड एथलीट और सेकेंड हाइएस्ट पेड तो टॉप थ्री तो आप जरूर याद रखें बाकी लोगों की लिस्ट भी है इसमें रॉजर फेडर साहब भी है टेनिस के विश्व विख्यात खिलाड़ी तो so, आप इसको एक बार देख सकते हैं इंपॉर्टेंट डेज इंपॉर्टेंट डेज कौन से कौन से होते हैं इसका मैं हर बार आपको एक टेबल दे देता हूं और आप उसे याद रखते हैं तो अगेन आई एम गिविंग यू द टेबल इन दिस स्लाइड दिसंथ मे को इंटरनेशनल म्यूजियम डे आता है 20 मई को नेशनल एंडेंजर्ड स्पीशीज डे आता है ध्यान रखना ये हमेशा 20 मई को नहीं आएगा ये थर्ड फ्राइडे ऑफ मे पे पड़ता है तो नेशनल एंडेंजर्ड स्पीशीज डे एवरी थर्ड फ्राइडे ऑफ मे ठीक है फिर ट्वेंटी मे को एक और दिन था वर्ल्ड बी डे तो स्पीशीज के दो हो गए ना एक बी का स्पेशलिस्ट डे और एक इंडेंजर्ड स्पीशीज डे मे ट्वेंटी वर्ल्ड मेट्रोलॉजी डे मेट्रोलॉजी का मतलब वो मिटरोलॉजी नहीं है यानी कि वेदर रिपोर्ट वाला मेट्रोलॉजी नहीं है मेट्रोलॉजी का मतलब है मेजरमेंट के जी किलोमीटर मीटर ये सब जो मैट्रिक्स होते हैं ना मैट्रिक सिस्टम उसको सेलिब्रेट करता हुआ दिन है मे 22 इंटरनेशनल डे फॉर बायोडावर्सिटी और मे 23 वर्ल्ड टर्टल डे तो इस हफ्ते में जितने भी डेज थे उसमें से मैक्सिमम जो है ना वो नेचर से रिलेटेड है चाहे वो 20 मई को एंडेंजर्ड स्पीशीज डे हो चाहे वो 20 मई को बी डे हो चाहे वो 22 को बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी या 23 को वर्ल्ड टर्टल डे तो आप इस टेबल को आराम से बैठ के याद कर सकते हैं और इसमें आपको इस लास्ट वीक के इंपॉर्टेंट डेज आ जाएंगे नेक्स्ट चलते हैं कुछ रिपोर्ट्स के बारे में जानते हैं एफडीआई की रिपोर्ट हमने देखी कि भारत को सबसे ज्यादा एफडीआई आया है अब रेमिटेंस की रिपोर्ट के हिसाब से भारत को सबसे ज्यादा रेमिटेंस आया है पिछले 2021 ईयर और वो था उसका वैल्यू था 89 बिलियन डॉलर्स तो वर्ल्ड बैंक जो है अपनी माइग्रेशन एंड डेवलपमेंट रिपोर्ट निकालता है उसके अंदर वो वो ये बताता है कि कौन से से देश में से जो माइग्रेट हुए हुए लोग हैं सबसे ज्यादा रेमिटेंस वापस घर भेजते हैं सबसे ज्यादा पैसा अपने घर वापस भेजते हैं उसमें भारत नंबर वन पे है मैक्सिको सेकेंड नंबर पे है और चाइना थर्ड नंबर पे है तो एक और बड़ी न्यूज पिछले साल ये एटी बिलियन डॉलर था तो यह बढ़ भी रहा है और इसका एक कारण यह भी है कि डॉलर रुपी के मुकाबले स्ट्रॉगर होता जा रहा है तो वन साइड ऑफ इट इज दैट ऑल्सो तो इसीलिए डॉलर में जो है वो हमारे पास एक्चुअल में रेमिटेंस जो है वो हमारे पास ज्यादा आ रही है लेकिन अदरवाइज भी भारत की रेमिटेंसेस ऑलमोस्ट फर्स्ट या सेकंड नंबर पे रहती है चलिए यूनिसेफ चाइल्ड अलर्ट थोड़ा सा अलर्ट होने वाली खबर थोड़ा सा ध्यान देने वाला विषय चिंताजनक विषय क्या कि विश्व भर में वो बच्चे जो माल न्यूट्रिशन यानी सिवियर वेस्टिंग की वजह से मर रहे हैं या जिनकी जान को खतरा है उन बच्चों की संख्या बढ़ती जा रही है यूनिसेफ ने यह कहा है कि सिक्स लैख मोर चिल्ड्रन विल प्रॉबली बी मिसिंग आउट ऑन एसेंशियल ट्रीटमेंट एंड बिकॉज ऑफ दैट इज मिसिंग आउट दे विल हैव टू फेस इवन डेडली कॉन्सिक्वेंसेस सबसे पहले तो मैं ये बता दूं आपको कि वेस्टिंग का मतलब क्या होता है वेस्टिंग का मतलब होता है कि जब आप अपनी हाइट के हिसाब से कम वजन रखते हैं और ये जनरली पांच साल या उससे कम के बच्चों के लिए चेक किया जाता है क्योंकि ये सबसे पहले पांच साल आर द इयर्स ऑफ मैक्सिमम ग्रोथ तो फाइव इयर्स के अंदर अंदर जो बच्चा अपनी हाइट के हिसाब से वेट एवरेज वेट से कम वेट रखता है उसको वेस्टेड कहते हैं जो बच्चा उम्र के हिसाब से कम हाइट है एवरेज से उसको स्टंटेड कहते हैं और जो बच्चा अंडर हो जाता है उसका मतलब यह होता है कि एज के हिसाब से कम वेट तो वेस्टेड का मतलब है हाइट के हिसाब से कम वेट स्टंटेड का मतलब है एज के हिसाब से कम हाइट और अंडरवेट का मतलब है एज के हिसाब से कम वेट ठीक है तो ये तीन डिस्टिंगशन दिमाग में फिट कर लो आप तो जब भी वेस्टिंग स्टंटिंग की बात होगी तो यही समझना है आपने सिवियर वेस्टिंग का मतलब होता है सिवियर अक्यूट माल नरिशमेंट एक और टर्म यूज की जाती है माल नरिशमेंट तो जो एसेंशियल न्यूट्रिएंट्स होते हैं प्रोटीन्स कार्बोहाइड्रेट्स फैट्स विटामिन मिनरल्स ये जब बच्चे की डाइट में नहीं होते हैं तो वो सिवियरली माल नरिश हो सकता है अब यूनिसेफ एक काम में लगा हुआ है काफी सालों से वो ये कि वो गरीब देश के बच्चों को रेडी टू ईट थेरेप्यूटिक फूड के पैकेट्स प्रोवाइड करता है जिसको RUTF भी कहते हैं ठीक है थीके? अब ये जो आर यू टी एफ है इसकी रॉ मटेरियल की प्राइसेस इंक्रीज हो गई है क्योंकि ओवरऑल ग्रेन की प्राइसेस इंक्रीज हो गई है वर्ल्ड में तो 16 प्रतिशत इसके प्राइस इंक्रीज होने की वजह से यूनिसेफ का ये कहना है कि हम लोग शायद ये आर यू टी एफ सभी बच्चों तक ना पहुंचा पाए और जब ये नहीं पहुंचा पाएंगे तो और ज्यादा बच्चों को कुपोषण का शिकार बनना पड़ेगा और उसके बाद जाके उनको सिवियर वेस्टिंग भी हो सकती है एक और दुख की बात यह है कि यूनिसेफ की रिपोर्ट्स के हिसाब से वेस्टेड चिल्ड्रन जो है सबसे ज्यादा वेस्टेड चिल्ड्रन या सबसे ज्यादा सिवियर वेस्टिंग भारत के बच्चों में पाई जाती है विच इज अ वेरी वेरी डेंजरस थिंग तो अगर मैं परसेंटेज टर्म्स की बात करूं तो परसेंटेज की टर्म्स में जो एन डेटा है यानी कि नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे डेटा है वो वेस्टिंग स्टंटिंग मालनरिशमेंट सबका डेटा देता है अकॉर्डिंग टू एन भारत में तकरीबन 19% परसेंट जो बच्चे हैं वो वेस्टेड है वेस्टेड का मतलब अगेन आई टोल्ड यू हाइट के हिसाब से कम वजन है तो ये सिवियर माल न्यूट्रिशन की निशानी है तो ये 19% परसेंट इज बिग नंबर जिसको रिड्यूस करना बहुत इंपॉर्टेंट है चलिए आगे बढ़ते हैं स्टेट्स की तरफ चलते हैं कुछ स्टेट्स कुछ एग्रीमेंट्स कर रहे हैं और वो खबर में आ जाते हैं तो इसलिए पढ़ते हैं गुजरात से खबर ये है कि गुजरात का एक प्रोजेक्ट सिस्टम रिफॉर्म एंडेवर फॉर ट्रांसफॉर्म हेल्थ अचीवमेंट जिसको श्रेष्ठ जी या श्रेष्ठ गुजरात भी बुलाया जा सकता है उस प्रोजेक्ट के अंदर साढ़े तीन सौ मिलियन डॉलर वर्ल्ड बैंक फंडिंग देने वाला है तो आपको क्या याद रखना है गुजरात आपको और क्या याद रखना है श्रेष्ठ जी आपको और क्या रखना है कि वर्ल्ड बैंक उसमें साढ़े तीन सौ मिलियन देने वाला है टोटल इसकी अमाउंट जो रिक्वायरमेंट थी इस प्रोजेक्ट की वो 500 मिलियन है जिसमें से साढ़े तीन तो वर्ल्ड बैंक देने वाला है और बाकी स्टेट गवर्नमेंट प्रोवाइड कर देगा तो इसका ऑब्जेक्टिव क्या है इसका ऑब्जेक्टिव है कि हेल्थ केयर डिलीवरी की सर्विस को इंप्रूव करना है प्राइमरी हेल्थ केयर सेकेंडरी हेल्थ केयर टर्सरी हेल्थ केयर इस प्रोजेक्ट के अंदर काम इसमें लगने वाला है तो बस इतना ही याद रखना है श्रेष्ठ जी गुजरात साढ़े बिलियन डॉलर खत्म चलो आगे नेक्स्ट आंध्र प्रदेश पे चलते हैं आंध्र प्रदेश ने ऐसा क्या खास किया है भाई आंध्र प्रदेश ने कहा है कि हम वर्ल्ड का सबसे बड़ा इंटेग्रेटेड रिन्यूएबल एनर्जी स्टोरेज प्रोजेक्ट बनाने वाले हैं रिन्यूएबल रिन्यूएबल एनर्जी एनर्जी का मतलब कि दो या तीन सोर्सेज की इलेक्ट्रिसिटी को इकट्ठे जनरेट करना और उसको ऐड करना जैसे सोलर एनर्जी विंड एनर्जी और हाइड्रो एनर्जी यहां पर यही होने वाला है तीनों सोलर विंड हाइड्रो का इस्तेमाल होगा तीनों की एनर्जी को पूल किया जाएगा और आपके नेटवर्क के अंदर डिस्ट्रीब्यूट किया जाएगा यह प्रोजेक्ट ग्रीन को ग्रुप और आंध्र प्रदेश की सरकार इकट्ठे मिलकर साथ मिलकर बना रहे हैं इसका कमीशनिंग 2023 तक हो जाना चाहिए और इसके अंदर तीन बिलियन डॉलर्स जो है वो इन्वेस्टमेंट होने वाला है जब ये प्रोजेक्ट काम करना शुरू कर देगा तो मैं आपको बता दूं दोस्तों कि एक साल के अंदर पंद्रह मिलियन टन ऑफ सीओ एमिशन को यह बंद कर देगा क्योंकि हाइड्रो पावर सोलर पावर विंड पावर ये सारे क्लीन एनर्जी सिस्टम्स हैं तो ये बहुत इंपॉर्टेंट अचीवमेंट है नेक्स्ट उत्तर प्रदेश की सरकार यानी योगी आदित्यनाथ की गवर्नमेंट ने एक पोर्टल लॉन्च किया है जिसका नाम है संभव पोर्टल अब इसकी फुल फॉर्म आप याद ना रखें तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है लेकिन सिस्टमिक एडमिनिस्ट्रेटिव मैकेनिज्म फॉर ब्रिंगिंग हैप्पीनेस एंड वैल्यू बेसिकली बेसिकली ये एक ग्रीवेंस रिड्रेसल पोर्टल है जिसका नाम है संभव तो अगर किसी तरह की शिकायत या कोई प्रॉब्लम आपको आती है तो आप उत्तर प्रदेश की सरकार के इस पोर्टल पर जाए और ग्रीवेंसिस जो होती है उसको मैनेज करता है इसका मतलब कि जिन ऑफिसर्स की रिस्पॉन्सिबिलिटी उनको कुछ लिमिटेड टाइम में इसका रिस्पॉन्स देना पड़ता है और एक्शन लेने वाली रिपोर्ट सबमिट करनी पड़ती है तो दोनों तरफ से गवर्नमेंट की तरफ से भी अकाउंटेबिलिटी ले रहा है और लोगों की तरफ से भी सवाल पूछ रहा है तो ये बहुत अच्छा पोर्टल संभव पोर्टल आखिरी टॉपिक हमारा है नई अपॉइंटमेंट्स नई इंपॉर्टेंट पोस्ट्स सबसे पहले त्रिपुरा जो नॉर्थ ईस्ट इंडिया का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट राज्य है जिसकी कैपिटल अगरतला है वहां के नए चीफ मिनिस्टर से मिली है। इनका नाम है है मनिक मनिक सेन सेन ने रिप्लेस किया देव को जो इससे पहले त्रिपुरा के चीफ मिनिस्टर थे त्रिपुरा में 2023 में चुनाव भी होने वाले हैं लेजिस्लेटिव असेंबली इलेक्शन तो यह बात भी आपने ध्यान रखनी है इनको ओथ टेकिंग सेरेमनी जो थी वो गवर्नर उस ओथ टेकिंग सेरेमनी को ओवरसी करते हैं और सत्यदेव नारायण आर्या जो त्रिपुरा के गवर्नर हैं उन्होंने इसे ओवरसी किया तो सत्यदेव नारायण आर्या इनका नाम और ये कौन है भाई ये त्रिपुरा के गवर्नर है तो ये मानिक साहा जी भारत के त्रिपुरा राज्य के नए चीफ मिनिस्टर सेकंड भारत के नए चीफ इलेक्शन कमिश्नर इनका नाम है श्री राजीव कुमार राजीव कुमार रिप्लेस कर रहे हैं श्री सुशील चंद्रा को तो डॉक्टर मनिक सेन त्रिपुरा के सीएम राजीव कुमार नए सीईसी चीफ इलेक्शन कमिश्नर चीफ इलेक्शनर कमिश्नर की अपॉइंटमेंट संविधान के तहत प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया करते हैं और प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया उन्हीं को अपॉइंट करते हैं जिनको गवर्नमेंट जिनको कहती है कि आप इन्हें अपॉइंट करें राजीव कुमार जी पहले से ही इलेक्शन कमिशन ऑफ इंडिया के तीन इलेक्शन कमिश्नर में से एक इलेक्शन कमिश्नर की भूमिका निभा रहे थे तो सुशील चंद्रा के बाद अब ये नए चीफ इलेक्शन कमिश्नर होंगे चीफ इलेक्शन कमिश्नर को रिमूव करना आसान नहीं होता है उनको रिमूव करना है अगर अपनी पोजीशन से तो आपको पार्लियामेंट से अप्रूवल लेना पड़ता है एनीवेज अब चलते हैं यूए भारत का नया सबसे बड़ा दोस्त सबसे अच्छा दोस्त जिसके साथ भारत ने सेपा भी साइन किया था फेब्रुवरी में कॉम्प्रिहेंसिव इकोनॉमिक पार्टनरशिप एग्रीमेंट इनके जो प्रेसिडेंट हैं शेख खलीफा बिन जयद अल नहयान अब देखो रहा जैसे आप मैथ्स में पढ़ते हैं ना मैथ्स में पढ़ते हैं कि जो लंबी टर्म होती है उसमें आप कुछ कॉमन ले सकते हो तो इसमें आप शेख बिन सैद अल नहन को कॉमन ले लो यहां पे भी शेख बिन जैद अल नहयान को कॉमन ले लो जो इससे पहले प्रेसिडेंट थे उनका भी यही नाम था लेकिन उनके नाम में खलीफा आता था इनके नाम में आता है मोहम्मद तो आपने बस यही याद रखना है कि खलीफा जी की जगह मोहम्मद जी बने हैं नए यूए के प्रेसिडेंट ठीक है, तो है।, तो है।, तो है खलीफा जी की जगह मोहम्मद जी बने हैं यू ए की नए प्रेजिडेंट क्योंकि ये बाकी चीजें तो कॉमन ही है शेख तो इनका टाइटल है ठीक है तो ये आपने सिंपली ये याद रख लेना है खलीफा जी की जगह मोहम्मद जी बने हैं यूएई के नए प्रेसिडेंट। बस आगे ज्यादा आपने नहीं सोचना है इसके बारे में ऑस्ट्रेलिया की तरफ चलते हैं ऑस्ट्रेलिया के भी नए प्रधानमंत्री नियुक्त हुए हैं बड़े बड़े देश हैं जिनके नए प्रधानमंत्री नए हेड आए हैं इस बार तो ऑस्ट्रेलिया की लेबर पार्टी के नेता एंथनी एल्बनीज़ ये ऑस्ट्रेलिया के न्यू प्राइम मिनिस्टर हैं

यूनियन टेरिटरी तो है बट वहां पे एक गवर्नमेंट या विधानसभा भी है तो यूनिक यूनियन टेरिटरी है जहां पे लेफ्टिनेंट गवर्नर सेंटर के रिप्रेजेंटेटिव की तरह काम करते हैं गवर्नर नहीं है वहां पे लेफ्टिनेंट गवर्नर है ये लेफ्टिनेंट गवर्नर की पोजीशन पे अभी तक अनिल बैजल साहब बैठे थे लेकिन अनिल बैजल साहब ने अपना इस्तीफा दिया रिसेंटली तो नए एल बनाए गए लेफ्टिनेंट जनरल बनाए गए दिल्ली के जिनका नाम है विनय कुमार सक्सेना जी विनय कुमार सक्सेना इससे पहले खादी एंड विलेज इंडस्ट्रीज कमीशन के चेयरमैन रह चुके हैं केवीआईसी एक संस्था है एक ऑर्गेनाइजेशन है जो मिनिस्ट्री ऑफ एमएसएमई के अंडर काम करती तो ये ऑलरेडी उसके चेयरमैन थे अब ये दिल्ली के लेफ्टिनेंट गवर्नर बन चुके हैं बहुत ही इंपॉर्टेंट न्यूज है दिल्ली के सीएम का नाम क्या है ये आप जानते ही होंगे सो गाइज दैट वॉज ऑल इन दिस वीक्स वीडियो आई रियली होप यू लाइक द वीडियो प्लीज सब्सक्राइब करें हमारे यूट्यूब चैनल को और बेल आइकन भी जरूर प्रेस करें थैंक यू